हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे तो आपने दोस्तों बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरह से आलू के पराठे बना कर भी खा के देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए हमने कम से कम 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज के। उसे हमने उबाल लिया है, उबाल कर हमने इसे मैश कर लिया है पोटैटो मिक्सर से, क्योंकि हमने इसे ग्रेट नहीं किया है, मैश किया है। तो हम क्या करेंगे कि आलू के पराठे बनाने के लिए पहले हम इसकी स्टीपिंग बनाएंगे। तो चलते हैं। तो मैंने पेन के अंदर जो है कि तेल डाल लिया है। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस 2 चम्मच मैंने तेल यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो तेल के अंदर हम ये डालेंगे पचफोरन, और तड़का हम लगाएंगे पचफोरन का, क्योंकि पराठे में जो है पचफोरन का तड़का बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ मैंने जो है कि पचफोरन जो है 5 चीज़ों से बनता है, इसलिए इसे पचफोरन कहते हैं। सौंफ है, मेथी है, मंगरेल है, जीरा है, अजवाइन है, ये 5 चीज़ है। तो हम इसके अंदर पचफोरन को डालेंगे और पचफोरन थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। पचफोरन की खुशबू पूरे किचन में आ रही है। तो पचफोरन हमारा भुन चुका है, तो अब हम डालेंगे। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसका मैंने जो है कि इसे कूट कर लिया है, दरदरा सा पीसा हुआ है, और इसको हम इसमें डालेंगे। आप इसे स्किप ना करें, इससे जो है इस तरह भूनने से जो है हमारे पराठे का जो टेस्ट बढ़ेगा ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो मैं इसे भून लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, करीब 1/2 चम्मच है, इसको ऐड करेंगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ चाट मसाले। अगर आपके पास चाट मसाले न हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो इन सबको डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा मसाले इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गर्म मसाला का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो आप गर्म मसाले, जो भी मसाले आपको पसंद हैं, आप पराठे में डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि हमारे पराठे का टेस्ट बढ़ाने के लिए अच्छी, बहुत ही अच्छे टेस्ट आएंगे। तो इन सबको मैंने भून लिया। थोड़ी सी मैं डालती हूँ हल्दी पाउडर, मैंने 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया हुआ है, इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी का कच्चापन न आए, इसलिए इसे भूनना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसे मैं भून लेती हूँ। मसाले हमारे भून चुके हैं, तो अब हम डालेंगे अपनी जो मैश किए हुए आलू को, इसे भी डाल के हम अच्छे से जो है कि चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे बहुत पहले थोड़ा सा उबाल के रख दिया था, तो थोड़ा सा ये कड़े हो गया, तो इसे मैं फोड़ के धीरे धीरे इसे मैं मैश कर लेती हूँ। तो आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डाल के भी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो स्टीपिंग हमारी बन करके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती। तो ढेर सारी धनिया की पत्ती भी डाल के हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी स्टीपिंग जो है बन करके तैयार है। हमने आलू को क्रश करके इसलिए नहीं डाला, क्योंकि जब आलू क्रश करके डालो ना, तो स्टीपिंग गीली हो जाती है। तो इसलिए मैंने आलू को जो है कि मैश किया था, उसे ग्रेट नहीं किया था। तब देखिए हमारी फिलिंग भी बन करके तैयार है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और स्टीपिंग को ठंडा होने देती हूँ। तो पराठे की हमारी फिलिंग जब तक ठंडी हो रही है, तब तक हम इसका जो है कि पराठे का डो तैयार कर लेते हैं, यानी आटा। तो हमने जो है कि 1/2 kg आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा है, और इसमें हम नमक ऐड करेंगे थोड़े से 1/2 चम्मच, और थोड़े से इसमें हम तेल, दोनों को हम मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे कि इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा तैयार करना है, कि जब हम स्टीपिंग भरें तो सॉफ्ट आटा रहेगा। तो हम जब स्टीपिंग भरेंगे, उसे बेलेंगे, तो अच्छे से भरा भी जाएगी, और बेलेंगे तो ये फटेगी नहीं। तो इन सबको डाल के हम मिक्स कर लेते हैं और इसका हम एक डो तैयार करते हैं।
ये देखिए हमने पराठे के लिए जो है कि डो लगा लिया है और डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया है। और इसे हम थोड़ा सा रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट। 10 मिनट हो गया है, आटा भी हमारा रेस्ट ले लिया है, तो अब हम इसके लोइयां बनाएंगे। तो जितना बड़ा हमें पराठा रखना है उतनी बड़ी हम लोइयां बनाएंगे। हमने लोइयां बना ली, अब इस आटे में हम इसे डस्ट करेंगे और इसका हम इस तरह करके चकवा बना लेते हैं। इस तरह करके हमने जो है कि बना लिया है। अब इसके अंदर हम अपने स्टिपिंग को डालेंगे, तो जितनी स्टिपिंग भरनी है उतना हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम इस तरह करेंगे, अगल बगल से हम इसे ऐसे करके बटोरते जाएंगे और इसका मुंह जो है कि बटोरता जाएगा। ये देखें, अब ये जो बचे हुए हैं आप इसे या तो निकाल दीजिए और इसे दोबारा हम इसमें मिला लेंगे और फिर ऐसे हम इसको गोल शेप देंगे। अब देखिए, अब फिर आटो में इसे डस्ट करेंगे और इसका हम ऐसे करके चकवा बना लेते हैं। इस तरह करके हम थोड़ा सा इसे हाथों से प्रेस करेंगे। अब इस पर हम सूखा आटा लगाकर इसे हम बेल लेते हैं, तो ऐसे भी काफ़ी फैल चुका है। अब बस हम बेलन से हल्का हल्का इसे घुमाएंगे इस तरह करके, और ये देखिए हमारे जो है कि एक पराठे हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरह करके हम और भी बना लेते हैं। तो दिख रहा होगा कि मैंने दूसरा चकवा बना लिया है, अब इसे हम बेलेंगे। तो मैंने एक तरफ से आप एक जैसे कि हमने आपको बताया कि कैसे भरते हैं, तो मैंने एक तो आपको उस तरह भरकर बताया और दूसरा हम थोड़ा सा इसे बेल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें अपने स्टिपिंग को डालेंगे, थोड़े से और ले लेते हैं। जितनी आपको स्टिपिंग डालनी है उतनी आप डालिए इसमें, और फिर इसके बाद हम यहाँ से उठाएंगे ऐसे और इसके मुंह जो है ऐसे हम बटोरते जाएंगे। आपको दिख रहा होगा एक तो आप इस तरह से भर सकते हैं, फिर इसको ऐसे हम करेंगे। ये देखें जो एक्स्ट्रे आटे हैं हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी को हम ऐसे कर देते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा वाला भी बन करके तैयार हो गया है। तो हम सूखे आटे में इसे डस्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम इस तरह करेंगे और इस तरह करके फैलाते जाएंगे। अब बेलन की सहायता से इसे बेल लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरे वाले भी पराठे को बेल लेते हैं। तो अब पराठे हम सेकते हैं, तो चलते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम अपने पराठे को इसमें डालेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इससे जो है कि मध्यम आँच में अच्छे से हम पराठे को सेकेंगे। तरफ से पराठे सेक गए हैं, हम उससे उलट देते हैं दूसरे तरफ से। देखिए पराठे हमारे दूसरे तरफ से सेक रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे इस पर तेल लगाएंगे। आप पराठे को तेल में भी बना सकती हैं, घी में भी बना सकती हैं, तो मैं यहाँ तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अक्सर रेस्टोरेंट में लोग बटर भी लगाते हैं लास्ट में। तो अब देखिए मैंने एक तरफ से लगा लिया, अब इसे मैं उलट लेती हूँ और इसी तरह करने दूसरे तरफ से भी लगा लिया और फिर इधर से वापस से लौट देते हैं। अब हम पराठे को जो है कि प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह करके हम दूसरे वाले भी पराठे को बनाते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला पराठा है, तो इसी तरह करके हम बाकी भी पराठे को बना लिए। मैंने सारे पराठे को बना लिया है और ये पराठे देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और आप इस सारे पराठे को मैंने बना लिया है, अब हम आपको सब करने आलू के पराठे बना लिए हैं। सारे आलू के पराठे हमारे बन गए हैं और हम गर्मा गर्म आलू के पराठे देखे हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। और जिस उसके साथ हमने आम का अचार रखा हुआ है और पराठे को आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और दही के साथ भी खा सकते हैं और जो है कि कुछ लोगों को पसंद होता है गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ भी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ के साथ भी इंजॉय करें ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे कहने पर जिस तरह मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और
रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा कि मेरी हर दिन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली रेसिपी लेके अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।